हे व्हाट्सअप यूट्यूब, हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सब के सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हम सब के यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अवी। गाइस, इन टुडेज वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट CCI स्ट्रेटजी ऑफ बेनमो। गाइस, CCI मतलब हो गया है हमारा कम्युनिटी चैनल इंडेक्स। तो यार, कम्युनिटी चैनल इंडेक्स की जो स्ट्रेटजी है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मुझे मिले रिगार्डिंग द सेम कि सर, इसमें जो टाइम पीरियड है वो कौन सा बेस्ट है। तो काफ़ी दिन के रिसर्च के बाद, यानी काफ़ी दिन ट्राई करने के बाद, अबाउट ईच एंड एवरी टाइम पीरियड मैं एक बेस्ट सा टाइम पीरियड आपके लिए लेके आया हूँ, जो थोड़ा सा अलग आपको ज़रूर लगेगा अगर आप ये जो स्ट्रेटजी है इसको यूज करते हो तो। लेकिन आपको पता है हमारे चैनल पे कुछ अलग ही आपको मिलेगा देखने को और सुनने को, इसीलिए आप यहाँ पे फॉलो कर रहे हो इस चैनल को। और अगर आपने नहीं किया है फॉलो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो ट्रस्ट मी बैनरी एंड शेयर मार्केट से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसी एक चैनल पर मिलने वाली है। शेयर अभी कर दो चैनल को, सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, अभी ज्वाइन हो जाओ। एक और चीज, अगर आप बैनमो से एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहते हो, एक्स्ट्रा बेनिफिट इन द टर्म्स ऑफ कि अगर आप फास्ट विड्रॉल चाहते हो, आपका जो टर्नओवर होता है, अगर आप बोनस लेते हो तो आपको एक पर्टिकुलर लेवरेज टर्नओवर कंप्लीट करना होता है, उसका बर्डन कम चाहते हो अपने शोल्डर्स पे, तो डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप बैनमो को रजिस्टर कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आप बैनमो के लाइव प्लेटफॉर्म पर लॉग इन है और लेट्स सी। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और जल्दी से चलते हैं इंडिकेटर्स पे। तो इंडिकेटर्स पे देखें, यहाँ पे CCI की बात आज करने वाले हैं। तो CCI पे क्या चीज़ें करनी है आपको चेंजेस, देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड आपको जो डिफॉल्ट है वो 20 मिलेगा। देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रेडर जो ये आपको टाइम पीरियड सजेस्ट करते हैं 20 का, लेकिन हम नहीं करेंगे। आज मैं आपको टाइम पीरियड सजेस्ट करने वाला हूँ 30 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना जो टाइम पीरियड है, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे 20 का सजेस्ट करेंगे, 40 का सजेस्ट करेंगे, लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स किससे मिलेंगे ये आपसे सजेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने टाइम पीरियड जो है काफ़ी चेक करने के बाद डिसाइड किया है कि 30 का जो टाइम पीरियड है उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमने 30 का जो टाइम पीरियड है वो सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन जो है डन नहीं किया था, इस वजह से जो है पेज रिफ्रेश हो गया। ओके, तो यहाँ पे मैंने 30 का टाइम पीरियड जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। अब नीचे जाके डन कर देते हैं, कोई और चेंजेस आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो रिजल्ट्स को डाल सकते हैं कोई और कलर में, बस और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है। ओके, तो ये आ गया है हमारा चार्ट। बेसिकली नीचे देखोगे स्ट्रेटजी एक अप्लाई हो गई है। अब किस तरीके से वर्कआउट हो रही है स्ट्रेटजी, देखिए यहाँ पे आपको एक नीचे -100 का लाइन मिल रही है। ये जो लाइन है ना, ये है -100 की। बीच वाली लाइन आपको मिलेगी 0 की और इसके ऊपर वाली जो लाइन मिलेगी वो मिलेगी +100 की। तो स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, अगर ये लाइन है ये इस पर्टिकुलर नीचे वाली लाइन को क्रॉस कर देती है। देखो यहाँ पे क्रॉस किया था, यहाँ पे क्रॉस किया था और पीछे भी क्रॉस किया होगा। देखो जब भी ये क्रॉस कर देती है नीचे वाली लाइन को, इसका मतलब मार्केट काफी टाइम तक नीचे ही रहने वाला है। ट्रस्ट मी, काफी टाइम तक नीचे ही रहने वाला है। अब यार एक चीज और बताऊं, यार देयर आर लॉट्स ऑफ गाइस, जो ये बहुत सारे हमारे व्यूअर्स होंगे, बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन वो लोग सोचेंगे कि क्यों यार ये बंदा इतना आसान भाषा में समझा रहा है, कोई यहां पे टेक्निकल टर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग होंगे सोचेंगे जरूर ये वीडियो देखने के बाद। तो यार मैं उन लोगों को बता दूं, यार हमारा जो चैनल है ना, थोड़ा आसान भाषा में समझाने के लिए जाना जाता है। मैं यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स आपके साथ इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, लेकिन फिर फ़ायदा क्या जब आपको वो चीज़ समझ नहीं आएंगी। हम इंडियंस हैं, बेसिकली मोस्ट ऑफ द यूजर्स होंगे जो इंडियंस होंगे, और हम लोगों को रिजल्ट से मतलब होता है। ठीक है, हमें रिजल्ट चाहिए। अगर हमें रिजल्ट मिल रहे हैं ना, तो हमें टेक्निकल टर्म्स की ज़रूरत नहीं है। मैं भी इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। तो यहाँ पे इसीलिए मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ। देखिए, अब यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की होगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाली लाइन को ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम मार्केट को अगले 3 या 4 मिनट के लिए। तो हम जो है अभी करेंसी चेंज करने वाले हैं, लेट्स चेंज द करेंसी। ठीक है, ओके ओके ओके, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी मिल गई है, बहुत ही अच्छी टाइमिंग है। एंड यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ ट्रेड फॉर जस्ट 4 मिनट एटलीस्ट। मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दी है। अरे यार, हुई नहीं क्या अभी तक? जस्ट लाइक ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है क्रिएट, कभी कभी इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू की वजह से जहाँ हम ट्रेड प्लेस करना चाहते हैं वहाँ नहीं हो पाती है। तो अमाउंट जो मैंने रखा है वो रखा है 35,000 रुपीज़ का, लेकिन मैं आपसे रिकमेंड करना चाहूँगा, मैं आपसे सजेस्ट करना चाहूँगा, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाथ जोड़ के, कभी भी बड़े अमाउंट की ट्रेड आप प्लेस मत करो। कभी भी बड़े अमाउंट की ट्रेड आपको प्लेस नहीं करनी है। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि यार आपके पास जो अमाउंट रहती है, इन्वेस्टमेंट रहती है, उसका 1% ही आप टारगेट करो। हर एक वीडियो में मैं यही चीज़ समझाता हूँ और अभी भी समझा रहा हूँ,
कि आपको सिर्फ 1% का आपको टारगेट लेना है, सिर्फ 1%, ज़्यादा टारगेट आपको नहीं लेना है अगर आप यहाँ से प्रॉफिट लेके जाना चाहते हो। मैंने यहाँ पे जो ट्रेड ली है वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, एजुकेशनल पर्पसेज, एंटरटेनमेंट पर्पसेज के लिए, मजे लो देख के, लेकिन इन्वेस्ट कभी मत करना यार इतना पैसा, ठीक है। अब यार कैसे काम करती है स्ट्रेटजी, मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे ना ऊपर की जो लाइन दिखती है आपको, यानी 100 की जो लाइन है, उस 100 की लाइन को अगर आपका जो लाइन है ग्रीन कलर का ये क्रॉस कर जाता है ऊपर की डायरेक्शन में, तो आप यार फिर 1 मिनट की ट्रेड लो, 2 मिनट की लो, 3 किलो, 4 किलो, कितने की भी लो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये क्रॉस करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि ये क्रॉस करे ही ना, उससे पहले ही आप ट्रेड ले लो। क्रॉस करने का क्या मतलब है, ये जो आपको ग्रे कलर का कुछ चीज़ें दिख रही है ना, यानी ग्रे कलर का ये शेड दिख रहा है, तो जैसे ही आपको थोड़ा सा भी शेड दिख गया ना ये ग्रे कलर का, उसके बाद आपको ट्रेड लेनी है अपवर्ड डायरेक्शन में, इससे पहले नहीं लेनी। आपको ये ग्रे कलर का जो छोटा सा शेड है इसका वेट करना है, इस माउंटेन का वेट करना है, जैसे ये थोड़ा सा भी बनता है उसके बाद आपको ट्रेड प्लेस करनी है। हालांकि हम थोड़ा लेट ज़रूर हुए, लेकिन फिर भी मुझे जहां तक उम्मीद है हम प्रॉफिट में ही लैंड करेंगे इस ट्रेड के बाद। अगर नहीं करते हैं तो लेट्स सी कि क्या जो कमी हमसे रह गई है और क्या गलतियां हमने की इस ट्रेड में, वो डिस्कस करेंगे। तो यहां पे देखो नीचे की जो लाइन है, अगर हमारी जो कैंडल है यानी हमारा जो ये ट्रेंड लाइन है ये नीचे की लाइन को क्रॉस कर जाता है और एक नीचे की तरफ माउंटेन बनता है। देखिए किस तरीके का माउंटेन बनेगा, देखिए इस तरीके का, ओहो देखिए इस तरीके का बनता है, तो आपको बेधड़क नीचे की तरफ ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। आप कितने की भी लो, ठीक है, प्रॉफिट करने के चांसेस बन जाते हैं उसमें। तो ये सिचुएशन को आपको हमेशा फॉलो करना है। एक और चीज़, अगर आप लोगों को नहीं पता कि कौन सी स्ट्रैटेजी किस टाइम पे वर्कआउट होती है, तो यार प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं, ट्रेडिंग के नाम से प्लेलिस्ट होगी। और अगर आप स्ट्रैटेजीज को चूज करना चाहते हैं तो वहाँ पे एक स्ट्रैटेजीज के नाम पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसका आई बटन में मैं लिंक भी दे दूंगा, वो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं और आप समझ जाएंगे एग्जैक्टली कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं, कौन कौन से टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं। यार रीज़न बताऊँ क्या है कि यार देखो, पहली बात तो कोई भी ऐसी स्ट्रैटजी नहीं है जिससे आपको 100% रिजल्ट मिले, कोई भी नहीं है, आज तक ऐसी कोई स्ट्रैटजी बनी नहीं। ट्रस्ट मी, अगर ऐसी स्ट्रैटजी होती तो आज दुनिया में कोई गरीब नहीं होता। ये जो ब्रोकर्स हैं ये भी पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। 100% करेक्ट स्ट्रैटजी ना तो आज तक बनी है और ना ही इन फ्यूचर कभी भी होने वाली है, लेकिन हम अपना दिमाग यूज़ करके, हम अपनी जो पढ़ाई है, हम हमारी जो स्किल्स हैं, हम अपने हमारा जो दिमाग है, उन सारी चीज़ों को यूज़ करके एक परफेक्ट स्ट्रैटजी बना सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं और हम ये देख सकते हैं बेसिकली कि हमारी स्ट्रैटजी से रिजल्ट मिल रहा है, वो अच्छे से अच्छा, यानी पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट मिले। देखिए ये जो ट्रेड है, ठीक है, बहुत अच्छी ट्रेड थी, अगर हम यहाँ पे प्लेस करते इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी हमारी स्ट्रैटजी के अनुसार, हम डेफिनेटली 100% विन करते। अभी हमारी जो कंडीशन चल रही है वो ये कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड पे आ गया है। देखो ये डाउनवर्ड ट्रेंड पे आ गया है, यहाँ से देखो ये डाउनवर्ड ट्रेंड पे, जैसे ही डाउनवर्ड ट्रेंड पे आएगा उसका मतलब ये नीचे ही जाएगा, लेकिन अभी डाउनवर्ड ट्रेंड पे आ चुका है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लॉस ही करेंगे। देखते हैं क्या होता है, अभी तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि अभी ये सिर्फ डाउनवर्ड ट्रेंड पे आया है लेकिन जा नहीं रहा है नीचे। जब तक इस लाइन को क्रॉस नहीं कर देता ये ऊपर की जो लाइन है, जब तक इसको क्रॉस नहीं कर देता तब तक हमारे पास चांसेस हैं कि हम इस ट्रेड को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, अभी की बात करता हूँ तो यार अभी कोरोना का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है ग्लोबली मार्केट पे, यानी पूरी मार्केट की जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की मतलब मैं बात करता हूँ जो इकोनॉमी है वो सारी हिली गई, यार हिल गई है वो इकोनॉमी सारी, और इस इकोनॉमी के हिलने की वजह से ना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है ट्रेड प्रिडिक्ट करना, कोई स्ट्रेटजी के साथ जाना। ये मुझे बहुत सारे लोग बोल चुके हैं, सर यार बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है किसी को प्रिडिक्ट करना स्ट्रेटजी को, कैंडल्स को। हाँ, आई एग्री विद देम, बिल्कुल डिफ़िकल्ट हो गया है चार्ट को रीड करना, लेकिन ऐसा है कि यार आप दिमाग लगा के ये चीज़ें कर सकते हो, ऐसी बात नहीं कि आप नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप प्रॉफिट ले सकते हो उस मार्केट से, थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करके। यार ये जो अगर ट्रेड हम हारे ना, बहुत ही माइनर सेकंड से जाएंगे यार, ओहो वी गॉन। तो ये ट्रेड जो है गई, ये हम हार चुके हैं। अब जो हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई है 65,000 रुपीज़, यानी 35 हम हार गए हैं, अब हमारी इन्वेस्टमेंट 35 की जगह हो गई है 65। और अब जो है करेंसी भी एक्सचेंज, अरे यार देखो देखो अब गई ना ऊपर, ये हमारी एंट्री पॉइंट ज़रा सी मिस हो गई है। ओके नो वरीज, तो देखो स्ट्रैटजी कमाल की है, एक ट्रेड हम हारे ज़रूर हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रैटजी वर्कआउट नहीं हो रही है, स्ट्रैटजी कमाल की है, काम भी बहुत अच्छा करती है। बट कंडीशन अभी इस तरीके से थे कि हम हार गए वो ट्रेड, क्योंकि हमने जो प्लेस की ना ट्रेड, वो उसका जो एंट्री पॉइंट था वो काफ़ी लेट था।
तो इस वजह से ट्रेड में हमें लॉस का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लॉस का सामना, अरे यार ये जो स्ट्रेटजी यहाँ पे भी नहीं अप्लाई हो सकती, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ खास कंफर्मेशन नहीं है ना, खास कंफर्मेशन नहीं है, नहीं यहाँ पे भी हम ये स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हमें कोई ठीक ठाक सा कंफर्मेशन मिलता है, हाँ यहाँ पे हम सोच सकते हैं। यहाँ पे देखिए गाइज, अब कैसे यूज़ करना है ना इस स्ट्रेटजी को, देखो यहाँ पे आपको एक छोटा सा माउंटेन इस तरीके का दिखेगा, जैसे ये दिखता है ना उसके बाद आपको ट्रेड प्लेस करनी है। याद रखना एंट्री पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, एंट्री पॉइंट आपको किस तरीके से डिसाइड करना है। आपको जैसे ये छोटा सा ये दिखता है ना, ये ग्रे कलर का माउंटेन सा, उसके बाद आपको सेट करना है एंट्री। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, शायद शायद ये -100 से नीचे चला जाए। अभी -78 पे चला गया फिर से, चलो यार ये नहीं जाने वाला, कोई और करेंसी देखते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है फिलहाल, टेस्टिंग करनी है इस स्ट्रैटजी की, तो हम कोई और करेंसी पे ही जाएंगे, कोई बेटर। हाँ हाँ ठीक है, तो ये करेंसी बेटर है यार। फिर भी अगर हम यहाँ पे प्लेस करते ये ट्रेड तो विन कर जाते, लेकिन हमारे पास अभी टाइम नहीं है ये सारी चीज़ों का सोचने के लिए। तो अभी मैं सिर्फ 2 मिनट की ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ, और जो हमारी डायरेक्शन रहने वाली है वो रहने वाली है डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैंने प्लेस कर दी है, इस बार जो हमारी ट्रेड है वो है 65,000 रुपीज़ की। ठीक है ठीक है भैया, डॉलर नहीं है यार, ये ध्यान रखना, कई लोग सोचेंगे कि डॉलर है, तो भैया बिल्कुल डॉलर नहीं है, 65,000 रुपीज़ है। ठीक है, कभी आप लोग सोचोगे डॉलर हैं, तो इतने डॉलर्स मेरे पास कसम से भाई आपकी, मैं मेरे पास नहीं है इतने डॉलर्स, कभी आप सोचोगे इतने डॉलर्स भाई ने लगा कैसे दिए। तो क्योंकि बायनमो का ना क्या है कि आपको डॉलर्स की जगह रुपीस का भी फीचर देता है, आप रुपीस में भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो बायनमो के अंदर। आप देखिए यार वीडियो के बीच में एक चीज़ और ज़रूर बताना चाहूँगा, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो हैशटैग टेक्निकल अवी, और वीडियो से क्या सीखने को मिला आपको वो चीज़ बताना, क्योंकि ये फीडबैक जो होता है ना बाकी सारे यूज़र्स के लिए बहुत काम आता है। बहुत सारे यूज़र्स हैं जो आपके कमेंट्स देख के जो मोटिवेट होते हैं, जिनको पता लगता है कि वीडियो के अंदर ये चीज़ सीखने को मिली है, तो कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको क्या चीज़ें मिली है। हैशटैग टेक्निकल अवीज लिखना मत भूलना। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है यार, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर बायनमो में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो ना, तो वैसे भी आप इन्वेस्ट करोगे किसी भी लिंक से करोगे, या फिर अगर आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके करोगे, तो रिकमेंडेशन मेरा यही रहेगा कि अगर आप मेरे लिंक से करते हो तो मेरे ट्रैक मैं पूरा कर रख पाऊंगा आप लोगों का, कि आप मेरे लिंक से क्यों। इन फ्यूचर अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ती है रिगार्डिंग विड्रॉज या किसी भी फील्ड में, तो फिर मैं आपको पूरी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि आपका जो है मैं ट्रैक कर सकता हूँ। ये भी हेल्प और बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको इसके बेनिफिट्स बता ही दिए हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स बेसिकली आप इससे ले सकते हैं। ठीक है, फास्ट विड्रॉल जो सबसे बड़ा कंसर्न रहता है वो भी आपका सॉल्व हो जाता है फास्ट विड्रॉल का। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको मैं, आप जो है यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं पर्टिकुलर गिवन लिंक से जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और आप कोई भी एक छोटा सा अमाउंट करके कोई भी बड़ा कूपन यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको 100% बोनस मिल जाएगा। कूपन जो है आप अवी 100 का भी यूज़ कर सकते हो, शायद अभी तक वैलिड है, मैं कन्फर्मली नहीं कह सकता, मुझे याद नहीं, लेकिन आप कोई भी 100% वाला कूपन यूज़ करके चेक कर सकते हो, जो कि आपको जो है 100% का प्रॉफिट दे रहा हो, बोनस दे रहा हो, लेकिन उसमें जो है आपको पता ही है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इस तरीके की होती हैं जो हिडन होती हैं, तो वो आपको विड्रॉ लेने में दिक्कत जरूर करती हैं बायनमो के साथ। लेकिन अगर आप जो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आ रहे हो, तो यहाँ पे आप ज़रूर कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपको बायनमो पे जाना है तो ज़रूर ये जो लिंक है इसी से जाएं। ठीक है, तो हमारा यार जो है प्रॉफिट हो गया लास्ट ट्रेड पे। ठीक है, अब हम जो है हमारी अमाउंट को फिर से छोटी कर देंगे, तो हम प्रॉफिट तो ले लिया हमने, तो अब इतनी बड़ी अमाउंट करके क्या करना। तो यहाँ पे हम कर देते हैं अभी 14,000, इनफ है मेरे ख्याल से, ये 14,000 एक और ट्रेड लेंगे। लेकिन अब किस करेंसी, देखो यहाँ पे लेना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, लेट्स सी कोई और चेक करते हैं कुछ और मिले बेटर। ओके यार यहाँ तो ले ही नहीं सकते, देखते हैं ओटीसी मार्केट में कुछ मिलता है, तो नहीं यहाँ पे भी नहीं ले सकते, तो कोई और ही करेंसी देखनी पड़ेगी ट्रेड लेने के लिए। तो यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे भी वो कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है जो हमें चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने वीडियो पूरी देखी ना, कन्फर्मेशन आपको समझ आ गया होगा किस तरीके कन्फर्मेशन आपको मिलता है। एक और चीज़ बताऊंगा कि यार देखो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हर एक ट्रेड आप नहीं जीतोगे, हर एक ट्रेड नहीं जीतोगे, लेकिन ऐसा है कि 2-3 ट्रेड में से आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब प्रॉफिट में ज़रूर रहोगे आप, लेकिन हर एक ट्रेड नहीं जीतोगे। एंट्री पॉइंट आपका डिसाइड करेगा कि आप प्रॉफिट ले पाओगे यहाँ से या नहीं ले पाओगे, सिर्फ एंट्री पॉइंट आपका डिसाइड करता है। अगर आप एंट्री पॉइंट सही रखते हो, अच्छा रखते हो, तो आप यहाँ से ले सकते हो ट्रेड में से प्रॉफिट, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे सिचुएशन ये चल रही है अभी, और अभी कुछ कह नहीं सकते, बट अगर प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो यही लग रहा है मुझे कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहने वाला है।
तो फिर अभी जो है हम करने वाले हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो है ना आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ डेफिनेटली आने वाला है। यहाँ पे देखोगे अगर आप इस चार्ट को, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे आपके माउंटेन सा बन रहा है, उसके बाद ये जो कैंडल यानी ट्रेंड लाइन है उसकी डायरेक्शन आप चेक कर पा रहे होंगे किस तरीके से है। तो अब इसी वजह से यही रीज़न है कि मैं सोच रहा हूँ अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन रह सकता है। देख कोई कन्फर्मेशन नहीं है लेकिन रह सकता है, तो विदाउट कन्फर्मेशन हम 14,000 रुपीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं। ओके ओके ओके, थोड़ा सा कुछ और देखते हैं, कुछ भी और ऐसा मिले जहाँ पर हम थोड़ा भरोसे के साथ कुछ कर सकें। तो फिर देखिए यहाँ पे ना इस स्ट्रेटजी के साथ आपको एक कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा, बहुत सारे कन्फर्मेशन मिलेंगे, बहुत सारे। लेकिन देखो ये नहीं कि सिर्फ इससे नीचे गया तो आप प्रॉफिट ले पाओगे, आप ट्रेड प्लेस करोगे, इसके मिडिल में भी आप ट्रेड जो है वो प्लेस कर सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप कितना समझते हो इस स्ट्रेटजी को, और वो सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हो इसके ऊपर और आपका जो ठीक ठाक हो जाता है तो आपका आप इसमें कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। और मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा बड़ी अमाउंट कभी भी इन्वेस्ट करो, पहले भी बता रहा हूँ मैं आपको, अगेन बता रहा हूँ, मैंने बहुत देखा यार यहाँ पे लॉस होते हुए लोगों का, बहुत देखा है, इसीलिए मैं नहीं सजेस्ट करता किसी को कि यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रेड और लेंगे हम, लेकिन इसका टाइम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ओके, मैंने टाइम बढ़ा दिया है, अमाउंट डाउनवर्ड डायरेक्शन मैंने प्लेस कर दी है ट्रेड, हालांकि कुछ डिले ही हो रहा है आज ट्रेड प्लेस करने में इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज़ की वजह से। तो अभी मैंने अमाउंट जो है 14,000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए हैं। लेट्स सी, तो अभी जो है हमारी कैंडल बिल्कुल ग्रीन ही है यार, पता नहीं क्या हो रहा है आज, आज कुछ काम ही नहीं कर रहा है। ये जो स्ट्रेटजी है जो मैंने लास्ट ट्रेड प्लेस की है, इसके पीछे प्लेस करने के पीछे कोई बेसिकली ये स्ट्रेटजी को सपोर्ट नहीं करती है इस स्ट्रेटजी को, लेकिन मैंने सोचा कि तीन ट्रेड तो कम से कम ले ही इस स्ट्रेटजी से, तभी मज़ा आएगा, तीन से कम लेते तो मज़ा नहीं आता यार। तो अभी देखो 122 तक पहुँच चुका है, ये काफ़ी अच्छा जा रहा है ऊपर की तरफ। ओके, 122 को भी क्रॉस कर देगा मुझे लगता है ये, लेट्स सी कि क्या होता है, अभी हमारे पास तो काफ़ी टाइम है। ओके, 127 तक पहुँच गया है, एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी कर रहा है ये कैंडलस्टिक पैटर्न। ओहो, द मार्केटिंग गैप, अब देखोगे ये गैप दिख रहा है आपको, ओरे वाह, व्हाट अ गैप वी फाउंड हियर। तो अब इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारी ट्रेड के लॉस करने के, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। रीज़न कि गैप देखा था आपने, उस गैप से सब कुछ चीज़ें डिफाइन हो जाती है मार्केट की। उस गैप का मतलब है दिस करेंसी इज़ नॉट सुटेबल फॉर ट्रेड राइट नाउ। अगर आप उस गैप का फ़ायदा उठाना जानते हो इट्स बेटर, यानी अगर आप मार्केटिंग इंपैक्ट का फ़ायदा उठा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं उठा सकते तो फिर द ट्रेड इज़ वेरी रिस्की फॉर यू गाइज। तो अब ये वापस ऊपर जाना स्टार्ट हो गया है, और हमने जो अमाउंट डाला था वो पहले कितना इन्वेस्ट किया था, 14,000, अब हम इन्वेस्ट करेंगे पूरे 65,000 रुपीज़ अगर हम ये ट्रेड लॉस कर जाते हैं तो, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जाएंगे। और अगर लॉस भी हो जाता है कोई बात नहीं, स्ट्रैटजी टेस्टिंग ही तो कर रहा हूँ, अगर आपके लिए लॉस भी हो गया टेस्ट करते करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन लाइव ट्रेडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइव करके आपको ये सारी चीज़ें दिखाना ये इम्पॉर्टेंट है। अभी भी हमारे पास टाइम है, वी कैन विन दिस ट्रेड, लेकिन जो मार्केटिंग गैप मुझे मिला था दो कैंडल्स के बीच में, दैट क्लियरली शोज़ कि ये डिफ़िकल्ट बहुत होगा भैया जीतना। अभी अगर जीतेंगे तो सिर्फ मार्केटिंग इम्पैक्ट की वजह से आप इसे जीत सकते हो, प्रॉफिट ले सकते हो, अदरवाइज चांसेस बहुत ही कम है। लेट्स सी, अभी हमारे पास सिर्फ 1 मिनट 1 सेकंड बचा है, एंड लेट्स सी कि क्या होता है, मतलब लाइक 1 मिनट 1 सेकंड सिर्फ टाइम रिमेनिंग है, उसके बाद शायद थोड़ा सा और टाइम मिलेगा, लेट्स सी। तो अभी इस ग्रीन में ही अगर ये कैंडल फिनिश होती है इट मीन्स इट वेरी डिफ़िकल्ट। अभी 113 पर है। ओके, देखो यहाँ अब आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता लग रहा है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप 113 116, ठीक है। तो अभी 116 पर है। ओके, 118, ये मुश्किल है भैया, दिस इज़ वेरी लाइक, ये डिफ़िकल्ट होने वाली है, ये लड़ाई डिफ़िकल्ट होने वाली है भैया जीतने के लिए। तो ओके, मैंने जैसा कि कहा था डिफ़िकल्ट होने वाली है, सो डेफिनेटली डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है भी। यहाँ पे अब हम एक और ट्रेड प्लेस करने वाले हैं जिसका डायरेक्शन हम जस्ट अपोजिट देने वाले हैं इस डायरेक्शन के, जस्ट जस्ट अ सेकेंड। अब यह देखिए एक चीज़ मैं कन्फर्म कर देता हूँ, ये तुक्का नहीं है, तुक्का ये बिल्कुल भी नहीं है, पूरा दिमाग लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करोगे ना तो आप भी समझ जाओगे कि कैसे ये स्ट्रेटजी काम करती है और कैसे हम रिवर्स डिसीजंस ले सकते हैं प्रॉफिट लेने के लिए, ठीक है। प्रॉफिट लेने के लिए हमें रिवर्स डिसीजंस लेने पड़ते हैं गाइस,
ऐसा नहीं कि आप जो तुरंत कर दो, डिसीजंस आपको रिवर्स लेने पड़ते हैं और तुरंत डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आप टाइम के साथ लोगे तो वर्कआउट नहीं करती है चीज़ें समटाइम्स। और यहाँ पे हमारे पास अभी मैंने ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी है अपवर्ड डायरेक्शन में, और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है दिस टाइम आवर इन्वेस्टमेंट इज 65,000 रुपीज। टुडे आवर इन्वेस्टमेंट इज 65,000 रुपीज। ये गैप देख रहे हो मार्केटिंग का, दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बीच में अगर आपको गैप मिलता है ये, अगर यार देखो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो ना, अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। और ये जो लाइन मैं नेक्स्ट कहने वाला हूँ ना, इसके बाद आप हर एक मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखोगे, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं लास्ट में वीडियो के। देखिए आप ये गैप देख रहे हो ना, ये गैप का मतलब होता है मार्केटिंग इंपैक्ट। जैसे ही मैंने पहले का प्रीवियस कैंडल का गैप देखा, मुझे तभी अंदाजा लग गया था कि मार्केट हमारी स्ट्रैटेजी को सपोर्ट नहीं कर रहा है ड्यू टू मार्केटिंग इंपैक्ट, यानी कोई न्यूज रिलीज हुई होगी पर्टिकुलर करेंसी पे, तो इसकी वजह से। तो मैंने क्या किया, देखो जैसे ही मैंने उस ट्रेड को फिनिश हुई, मैंने उसका फिनिश होते ही 1-2 मिनट की ट्रेड मैंने प्लेस कर दी अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट था, लेकिन मार्केटिंग न्यूज, देखो अगर कभी मार्केट में न्यूज रिलीज होती है ना, तो आपकी उल्टे काम करते हैं स्ट्रैटेजी। अगर स्ट्रैटेजी कहती है कि डायरेक्शन अपवर्ड रहने वाली है तो डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी, डाउनवर्ड रहने वाली है तो अपवर्ड रहेगी। मतलब कुछ सिनेरियोज हैं जो जिन पे वर्कआउट करने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है यार। तो गाइज अच्छा खासा प्रॉफिट हमने आज ले लिया होगा, लगभग 1 लाख रुपए का तो प्रॉफिट हो ही गया होगा। चलो जो भी है गाइज, डिस्कस करेंगे इन फर्दर वीडियोज आगे की जो चीज़ें हैं। लाइक यार कर दो मोटिवेशन के लिए, 1000 लाइक्स का एम करते हैं, कर दो, पहुंचा दो 1000 लाइक्स आज ही पहुंचा दो 12 बजे से पहले। जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं टेलीग्राम पे, उन लोगों को कह रहा हूं, और जो वीडियो फर्स्ट टाइम देखेंगे, अगर उनको नहीं पता तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ अपडेट्स के लिए, ठीक है। वीडियो पूरी देखी तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया दिल से, और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा आई एम श्योर डेफिनेटली। और एक और चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, जो मैंने आपको कहा था सब्सक्राइब चैनल को कर दो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, मुलाकात करेंगे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सेम ऐसी वीडियो होगी, एक्साइटिंग होगी लेकिन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।